देखिए, बात करते हैं हम अगला टॉपिक हमारा, और वो है बैक बॉन्डिंग एंड बनाना बॉन्डिंग। तो पहले समझते हैं कि ये है क्या चीज़, एक एक करके, ठीक है। तो पहला फर्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, ये है क्या बैक बॉन्डिंग, समझना आप। ये एक तरह का रेजोनेंस ही है, यानी कि अगर हम बात करें मोटा मोटा, तो इस तरह से हमारे को सबसे पहला एग्जाम्पल जो मिला वो ये था कि बोरो ने फ्लोरी ने फ्लोरी ने फ्लोरी ने, सही है क्या? आपको ऐसा मालूम है कि फ्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? हाँ। क्या आपको ऐसा मालूम है बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? हाँ। और फ्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर है। क्या ये लोन पेयर इसमें रख सकता है? हाँ। तो एक तरह से ये अपना लोन पेयर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में रखेगा, तो क्या ये रेजोनेंस कहलाएगा? हाँ। कौन सा कहलाएगा? ये रेजोनेंस एम्प्टी ऑर्बिटल 2p। तो लोन पेयर वर्सेस एम्प्टी ऑर्बिटल, पक्का ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो इससे हमें जो हाइब्रिड मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। हाइब्रिड का मतलब मिली हुई स्ट्रक्चर। तो मेरे पास दो तरह के साइंटिस्ट आ गए, एक मेरे सपोर्ट करने वाले, और विपक्ष तो हमेशा बना ही रहता है। तो जो अपोज में थे वो ये कह रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों भाई? उन्होंने कहा कि ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड है, तो दूसरा बॉन्ड कैसे बनेगा? और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह बनेगा, क्योंकि ये उसको दोनों इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी भी पाई नहीं बन सकता, तो सिग्मा दो बन नहीं सकते। तो उन्होंने ये कहा, तो मैंने उनको दलील दी। क्या दलील दी? ध्यान से सुनना, दलील का मतलब व्यूज दिए अपने, कमेंट्स दिए। मैंने कहा बोरोन के पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो एटॉमिक है, और ये जो लोन पेयर है वो पहले हाइब्रिड में था, लेकिन अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? एटॉमिक ऑर्बिटल में। रेजोनेंस करने के लिए यहाँ पर लोन पेयर हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है, और एटॉमिक ऑर्बिटल वर्सेस एटॉमिक ऑर्बिटल में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है? पाई। तो एक सिग्मा बनने के बाद दूसरा पाई बनना कोई बड़ी बात नहीं है, और इससे इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पहले के कंपेयर में ज़्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। और मेरे पास प्रैक्टिकल डाटाज हैं कि यहाँ बॉन्ड लेंथ एक्चुअल बी एफ बॉन्ड जो होनी चाहिए उससे काफ़ी कम आ रही है। तो दोनों ही डाटा मेरे सपोर्टिंग में आ गए, और इससे मुझे ये बेनिफिट रहा कि यहाँ ऑर्बिटल पूरा कंप्लीट हो गया। और भी मैंने व्यूज दिए, मैंने कहा कि जब इसके पास अब एम्प्टी ऑर्बिटल क्या हो गया, ऑलमोस्ट फुलफिल हो गया, तो इससे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो गई। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? लोन पेयर लेना बेसिक स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि इसने फ्लोरीन से ले लिया, तो अब किसी और से लेगा क्या? ये नहीं, टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी लेने की। तो ये सारे व्यूज मेरी, मान कमेंट या व्यूज कुछ भी मान लीजिए, मेरे फेवर में जा रहे थे कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग है। इस बैक बॉन्डिंग को हम क्या कह सकते हैं? रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। तो लिखिए बैक बॉन्डिंग क्या है। बैक बॉन्डिंग इज ए टाइप ऑफ रेजोनेंस, लिखते जाए मेरे साथ, इन विच लोन पेयर ऑफ वन एटम कॉन्जुगेट विद एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम। ये पहला पॉइंट हो गया। ड्यू टू दिस बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस, आप इसको रेजोनेंस भी बोल सकते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस।
नेक्स्ट पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग इज मैक्सिमम फॉर 2p 2p, 2p 2p में बहुत ज़्यादा होगा बैक बॉन्डिंग, एक तो 2 होना ही चाहिए 2p, 3p वाले इतना इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं देते, तो अगला 2p और अगर 3p कर दिया जाए तो बहुत कम हो जाएगा, एटलीस्ट दोनों पी में से एक तो 2p होना ही चाहिए, कुछ समझ में आया, दोनों 2p में एक तो, दोनों पी में एक 2p होना चाहिए, तो दूसरा क्या ले लोगे, 2p फिर 4p और फिर 2p 5p, अगर आपने 3p कर दिया तो बैक बॉन्डिंग इतना कम इफेक्टिव होगा कि उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, इन 3p 3p बैक बॉन्डिंग कंसीडर नेग्लिजिबल, 3p 3p में होगा ही नहीं तो हम एग्जांपल क्या बनाएंगे, कंसीडर नेग्लिजिबल, अगर आप फिर भी बनाना चाहते हो तो बोरोन की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, एल्यूमिनियम, और ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, बताइए ये लोन पेयर कौन सा है, 3p, और ये जो खाली ऑर्बिटल है ये भी कौन सा है, 3p, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग जो होगी वो नेग्लिजिबल होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि जीरो होगी, बहुत कम, इतनी कम कि प्रैक्टिकली उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे हम, देने से फायदा नहीं मिल रहा ना, तो फायदा नहीं मिलेगा तो प्रैक्टिकली प्रूव कैसे करोगे आप कि यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी है या कम हुई है या बॉन्ड लेंथ कम हुई है, कुछ भी प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाओगे, हुई भी है तो, समझ में आ रहा है, बस नहीं है, फायदा भी नहीं है नुकसान भी नहीं है, तो ये हमारे पास बैक बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट हुआ, तो बैक बॉन्डिंग होने के लिए आपके लिए एटलीस्ट एक ऑर्बिटल का 2p होना जरूरी है, और अगर दूसरा भी 2p है तो बैक बॉन्डिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, और दूसरा अगर 3p है तो बैक बॉन्डिंग उतना ज़्यादा नहीं होगा, 4p है तो और कम हो जाएगा, 5p है तो और भी कम हो जाएगा, तो बैक बॉन्डिंग कहाँ देखने को मिलेगी, जब एक एटम के पास लोन पेयर हो और दूसरे के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, तो क्या ये जरूरी है कि लोन पेयर सराउंडिंग एटम के पास ही हो, नहीं, सेंटर एटम के पास भी हो सकता है और सराउंडिंग के पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये तो डिपेंड करता है, तो एक और एग्जांपल, फिर मैं बात कर रहा हूं बॉरी एग्जांपल, बैक बॉन्डिंग इन बॉरिक एसिड, तो बहुत इजी एग्जांपल है ये, आपके पास ओएच OH, OH, क्या इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, हाँ, क्या इसके पास लोन पेयर है, हाँ, ये लोन पेयर जो इसके पास ऑक्सीजन का है ये यहाँ पर डॉटेड डॉटेड आप शो कर सकते हो, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग कौन सी होगी, 2p 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 बैक बॉन्डिंग, तो ये हमारे पास बैक बॉन्डिंग हुआ किसके अंदर, बोरिक एसिड के अंदर, तो इससे क्या फर्क पड़ा बोरिक एसिड पे, बैक बॉन्डिंग आप कैसे प्रूव करोगे, वाई नहीं, हाउ कैन वी प्रूव दैट बोरिक एसिड हैविंग बैक बॉन्डिंग, दो तरह से, पहला हमारे लिए वो सारे, ध्यान से सुनना, हमारे लिए वो सारे बैक बॉन्डिंग हो जाते हैं जो 2p 2p रखते हैं, ठीक है, तो एक तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या रहेगा बोरिक एसिड के अंदर, बोरिक एसिड के अंदर क्या रहेगा, यहां प्रॉपर्टीज क्या बनेगी, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से इसका जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, कम लोन पेयर लेने की टेंडेंसी रखेगा ड्यू टू दिस ओएच, तो बोरिक एसिड इज एग्जाम्पल जो बनेगा इज एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक, क्योंकि इसका लोन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल तो ऑक्यूपाइड हो चुका है ओएच से, तो फर्स्ट थिंग तो ये होगा बोरिक एसिड बिकम वीक एसिड, यानी एसिड तो है लेकिन वीक एसिड बनेगा,
तो क्या ये किसी और से नहीं ले सकता ओएच लोन पर? ले सकता है, ऐसा नहीं है इससे ले लिया तो और से नहीं ले सकता। डिपेंड करता है कि और वाला जो लोन पेयर है वो कितनी आसानी से देगा। अगर वो ज़्यादा आसानी से देगा तो इससे लेने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी? धीरे धीरे कम। दूसरा फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिकम sp2। sp2 क्यों हो जाएगी? देखिए ध्यान से, बोरिक एसिड का ऑक्सीजन लोन पेयर कहाँ जा रहा है? रेजोनेंस में। तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये OH है, इसके पास दो लोन पेयर है, हर जगह दो लोन पेयर है OH के पास, लेकिन हो ये रहा है कि इसका एक रेजोनेंस में है। और जो रेजोनेंस में होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है। तो अब आप बताइए इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक लोन पेयर। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा ऑक्सीजन पे? sp2। उस लोन पेयर को हम हाइब्रिड में काम नहीं काउंट करते जो जो रेजोनेंस में आ जाता है। उस लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते जो रेजोनेंस में आता है, ऐसा मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से बताया था। क्या आपको समझ में आ गया ये? बोरिक एसिड का एक और एग्जांपल जो ये प्रूव करता है कि बैक बॉन्डिंग होती है। पहले आप ये समझ लीजिए क्या बैक बॉन्डिंग आपको कहाँ कहाँ मिलेगी। इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए सेंटर एटम के पास, या फिर क्या होना चाहिए? लोन पेयर। कुछ इस तरह का बैक बॉन्डिंग देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मैं आपको बैक बॉन्डिंग इन एन आई नाइट्रोजन सिलिकॉन Si(SiH3)3। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, नाइट्रोजन का एक लोन पेयर है सिलिकॉन HHH, सिलिकॉन HHH, सिलिकॉन HHH। क्या आपके पास इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल है? हाँ या ना, बोलो जोर से। कौन सा एम्प्टी ऑर्बिटल है? 3d। क्या ये लोन पेयर है या नहीं है? ये लोन पेयर कौन सा है बेटा? 2p। पक्का? तो ये बैक बॉन्डिंग करेगा या नहीं करेगा? बैक बॉन्डिंग पॉसिबल। तो जब ये बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो पता ये कैसा दिखाई देगा? नाइट्रोजन SiH3 और SiH3। तो बताओ यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा और शेप कौन सी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर sp2 में। जबकि बच्चे अगर नहीं जानते बैक बॉन्डिंग तो क्या लगाएंगे इसका? ट्राइगोनल पिरामिडल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे, वन सिग्मा और दिस। लेकिन गलत है, इसका आंसर है ट्राइगोनल प्लेनर। तो कोई दिक्कत आई आपको? तो ये कंसेप्ट है बैक बॉन्डिंग का, जो आपको ये बताएगा कि कहाँ आप गलत हो। अगर बैक बॉन्डिंग नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता तो ये क्या होता? sp3 पिरामिडल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये गलत है, ये सही है। पक्का? अच्छा, नाइट्रोजन की जगह अगर फास्फोरस कर देते तो अपन SiH3 लोन पेयर। अब बताओ ये लोन पेयर कौन सा है, 2p या 3p?
थ्री पी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगी? नहीं, नॉट इफेक्टिव. तो ये क्या रहेगा, बैक बॉन्डिंग नॉट इफेक्टिव. तो जब इफेक्टिव नहीं होगा तो यहां आंसर क्या रहेगा, एस पी थ्री पिरामिडल. कुछ समझ में आई बात, एस पी थ्री पिरामिडल. एक और एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन ही ले लेते हैं लेकिन यहां पर सी एच थ्री ले लेते हैं. ये 2p का है, ये ऑर्बिटल अभी क्या है 2p. बताओ बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगी या नहीं होगी? क्या कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? नहीं. तो एक के पास लोन पेयर होना चाहिए और एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए. तो यहां पर भी बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल. तो आंसर क्या जाएगा, sp3 पिरामिडल. ये सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं जो बैक बॉन्डिंग को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे. लिखते जाएं. एक बार समझाना है. तो बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हाइब्रिडाइजेशन पे फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है, कभी पड़ता है कभी नहीं पड़ता. जब भी बैक बॉन्डिंग होगी तब तो पड़ ही रहा है, और नहीं हो रही है तो फिर किस बात का फर्क. बोरिक एसिड में ऑक्सीजन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2. देखो जबकि अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होती तो क्या होता, sp3. बोरोन पे बैक बॉन्डिंग होने से पहले भी sp2 था, अब भी sp2 है. तो जिस जो लोन पेयर ले रहा है एक तरह उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो दे रहा है ना उसका एक लोन पेयर कम हो जाएगा, उस पर हाइब्रिडाइजेशन उम्मीद से कम होगा. इतना बढ़िया टॉपिक है बैक बॉन्डिंग. अब आगे तो यहां तक तो आपको बैक बॉन्डिंग अच्छे से समझ में आ ही गई. बैक बॉन्डिंग को थोड़ा और ज्यादा डेप्थ में समझते हैं हम. बैक बॉन्डिंग एग्जाम्पल कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ BF3, BCl3, BBr3, BI3. अब इसका सॉल्यूशन बनाओ इनका कंपैरिजन करने के लिए. तो मैंने आपको पहले ही बोला है बैक बॉन्डिंग होने के लिए एटलीस्ट एक ऑर्बिटल का 2p होना जरूरी है. दूसरा 2p हो जाए तो बहुत अच्छा है. तो आप ही मुझे बताओ यहाँ पर बैक बॉन्डिंग क्या होगी, 2p 2p. क्या ये पॉसिबल है 2p 2p? एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और एक के पास लोन पेयर है. यहाँ क्या होगा 2p 3p, यहाँ 4p, यहाँ 5p. सही हूँ मैं? तो बैक बॉन्डिंग ऑर्डर क्या होगा, यही ऑर्डर होगा बैक बॉन्डिंग. अगर बैक बॉन्डिंग ऑर्डर ये हो गया तो कैपेसिटी टू टेक्स लोन पेयर कम हो जाएगी. तो आप जानते ही हो एसिडिक स्ट्रेंथ अब क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बैक बॉन्डिंग. मुझे पहले से ही पैसा मिल गया अच्छा खासा, तो मैं किसी और से क्यों लोन पेयर लूंगा, पैसा का मतलब लोन पेयर. तो मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा मिलेगी, BF3 की सबसे कम और BCl3 की ज्यादा, उससे भी ज्यादा BBr3 और उससे भी ज्यादा BI3. वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. समझ में आ गया, लिखें इसको.